सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मैं आपको दोस्त ऋषि सिंह आपको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड में। आई होप गाइज आप सब होंगे बहुत बेहतरीन और रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइज आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेला रिएक्शन क्यों कर रहा हूँ और मम्मी कहाँ पे है। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जब भी मैं ऐसे किसी गाने के ऊपर रिएक्शन करता हूँ जिसके ऊपर मुझे लगता है डर कि इसमें भैया गाली गलौज होगी, इसमें मैं मम्मी को नहीं लाता भाई। तो ये गाना आज जो मैं करने वाला हूँ, अगर आप नाम सुन लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई ये गाना ऐसा है कि जो मुझे लगता है अकेला ही सुनना सबसे ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पिछली बार हमने गाने पर रिएक्शन करा था तो बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बट मुझे नहीं लगता कि भाई मम्मी के साथ ये सुनना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ तक भी आ गए और तो आपको बता देता हूँ, अगर आप ये वीडियो सबके साथ देख रहे हो तो भाई हैंड फ्री लगा लेना, क्योंकि गाने में कुछ भी हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ, गाना आया है कृष्णा भाई का, गाने का नाम है मचाएंगे फोर। तो भाई बहुत ज़बरदस्त गाना होने वाला है, मतलब एक डिस्ट्रैक्ट है एमिवे के लिए। और आपको मैं ये भी बता देता हूँ, ये वीडियो मैं तब कर रहा हूँ जब एमिवे का भी आ गया है डिस्ट्रैक्ट मचाएंगे फोर के ऊपर। तो पहले हम ये सुन रहे हैं कि कृष्णा ने क्या रिप्लाई करा है एमिवे बंटाए को, और उसके बाद फिर हम करेंगे कि एमिवे ने क्या रिप्लाई करा है कृष्णा को। तो भाई बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन होने वाला है मेरा, तो क्योंकि मैं तो शुरू से ही डरता हूँ इस गाने के ऊपर रिएक्शन करने से पहले। भाई बहुत खतरनाक और बहुत ही ना क्रेजी से रैपर्स हैं लोग, इनके बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। क्या इनकी बसर चल रही है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता ही दोगे, क्योंकि पिछली बार मुझे कुछ पता नहीं था तो आपने मुझे वो बता दिया था। तो अभी भी आप मैं कुछ पूछूंगा इसके बाद तो मुझे जरूर बताना कि वो चीज़ क्या है। तो गाने पर रिएक्शन करने से पहले आपको बता देता हूँ, तुम्हारे भाई ने एक और यूट्यूब चैनल खोल लिया जिसका नाम है ऋषिज ब्लॉग्स। तो तुम्हारे भाई ने एक ब्लॉग चैनल भी खोल लिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ लाइक कर देना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, सीखा होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके बताएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताऊँ गाना रिएक्शन देता रहूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के मैं आपके गाना रिएक्शन जरूर करूंगा। तो मैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट करे इस गाने पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं, लेट्स गो। लिल बंटी तुम्हारे अब्बू आ गए, कर्मकार तुम्हारे अब्बू आ गए, मुबारक हो मेरी ये मौत, खतरनाक वाइब्स बहुत, अब पुसी तू गीली है बहुत, बंटी को लगी है भूख, नाश्ते में मिली थी हार, हार अब मिलेगा डिनर में एल, एल इसके मुंह से टपकेगी लार, लार रैप का दीपक लाल, क्यों आके मरारा हर बार, मैं खारा करारे तू कोटो से करा गरारे, अब ये लेकर आ रहा जवाब, कोट डाली कवर तेरी निकालो अब काला कोट, वर्तमान में तो सब जानते मैं ज्यादा डोप, अभी नंदू को सड़ेगा ये बम्बू, इस मदर चोट पे गिराऊं बम लगे वाला कोट, लूड़ान हर पास बोले भाई साहब, अर्जुन वाला तीर तेरे कांड में था 2.5 साल, ख्वाहिश होती पूरी जिन से तेरी जैस्मिन करती है राइड, हाँ घुटने किसे है उसने उड़ती कालीन पे, बंदी के बारे कुछ बोलो ना, पंजाब में फैली थी जैसे वो कोरोना, पर तू भी कोई कम नहीं है छोटे, हाँ तू भी तो करता है स्वॉलो ना, तू लोड़े का रैपर हम चलते हैं चौड़े में, करे एंड टॉप हिल की ये बातें पर रहता है खुद ना भी मुंबई के कोने में, कृष्णा टैक्स नो जीएसटी, ये जानते हम बाप पे नो पीएसजी, मुंबई के सड़कों पे पीएचडी मतलब प्रीटी ह्यूज डिक इन योर बीएससी, मैंने मानी कभी हार नहीं, तेरे 17 मिली सब्स फिर भी कुछ लंडी उखाड़ी, 6 महीने से हो रहा फ्लॉपी बिना डिस्क के, इसके हो रहे 10 मिली पार नहीं, सब चीलू तेरा खेल है तू चील मुझे, किसी भी नजर से लगता नहीं रियल मुझे, म्यूजिक करे हील मुझे, चल झुक बेटा आजा दे तू फील तुझे, हमारे सांप हो गए फाइट एंड पाइथन, सनी लिसन में अली विद नो फाइटिंग लाइसेंस, चाहिए पांच लाइन तो मैं माइक पे टाइसन, ये भागे करे डैश चलू लाइफ पे हाइफन, तू छोटा सा छोटू यकीन कर, 4 फुटिया तू गुड़िया पकड़ के अब नींद कर, यदि तू लटके रहे मेरे इन टट्टो पे पैर तेरे फिर भी नहीं पहुंच रहे जमीन पर, मेरे पास एक सॉलिड सवाल, बोल का है तेरी नॉलेज गवार, गानों में करता सिर्फ लौड़े की बात, ये नारनिया नहीं आजा क्लोजेट से बाहर, पहले हुआ कॉकी और फिर हुआ फ्लॉपी, कृष्णा को नहीं जानता था, नाउ यू नो ऑफ मी, तेरे डिस्क का बेस्ट पार्ट जब किया तूने मेरे, और अवतार वाला ड्रिल फ्लो कॉपी, सामना तुम करोगे तो सामने ही मरोगे, मेरे सब यहाँ कश्मीर का मैं थरोब्रेड, मैंने झाड़ा अपना शीशी में लंड तो पैदा हुआ बंटी, बेटा तुम सरोगेट, ये रैपर अब हंसने लगा है, जब से दिमाग में तेरे वो बसने लगा है, सदमा है सत्य से दिख नहीं रहा सच, क्योंकि बिना कांच वाला इसको चश्मा लगा है, लगती तू मियां खलीफा, शहीदी है किन्नी तारीफा, आई डोंट नीड अ टिकट और वीजा, जस्ट टू गो एंड किक इट लाइक फीफा, होल फैमिली होल्डिंग फ्लावर्स, तेरे गोल्डन बार्स को दे दू गोल्डन शावर, अब बढ़िया सा मिलेगा तुझे शॉट इन मदरफकर, आई एम टॉकिंग अबाउट नो गोल्डन आवर, तू कोठे में बैठा मैं बैठा हूं कोठी में, लाइनें क्यों मार रहा है अभी भी चौथी के, तेरा नाम और लोगो भी कॉपी है, सब देखे मैंने जब था मैं वो टोकरी में, ये रैपर नहीं टिकटॉक की छोकरी है, बिस्तर में करता ये नौकरी है, यू 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 चल बजड़ी
वो करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है परसेंट डॉलर साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में करना चाहता ग्राइंड तो ले रहा उसकी मस्ती में बंटी आई फाइन चिल्ला रहा जैसे गश्ती है परसेंट डॉलर साइन अब बंटी बहुत फ्रस्टी है गेटिंग फ्रॉम बिहाइंड सुना दे रहा तू सस्ती में एक मिनट सवाल होने का फोन आ रहा है लोड़े का खबीब डिसलॉयल टू स्पीच था लगता है मुझे तू आया है दागस्तान से 5G जमाना तू 3G पैक पे दिया मेक ओवर मैंने ली थी बैग से इसे समझ नहीं आ रहा क्यों लटक रहा है नाड़ा तेरी बेच के लिए शी वांट्स इजी एक्सेस खर्चों पे टैक्स तेरे लेवल वाले तो सारे हैं बरसों से वैक शॉप नहीं करने का बच्चों से बहस नहीं तो गांड में घुसता जैसे कच्चों के टैग डिवाइन ने शो पे मिलाया था ग्रुपी तू बैक स्टेज आया था उस शो के लाइनअप पे प्रब में डिवाइन थे तू तो सिर्फ फोटो खिंचाया था ना लेबल ना मैनेजमेंट व्यंजन था वायरल में कर रहा था शोज इंडिपेंडेंट तू आर्टिस्ट अलाउड पे साइन था पहली बार मैंने मिलाए थे सावन के लोग मुंबई से दिल्ली तक गाना वो मेरा था पहले से बातें बदलती नहीं कहने से बोला को लैब हम करते तू डाले फिर शर्ते की गाना आए तेरे ही चैनल से पूरा नहीं माना दिया था गाना बदले में कुछ भी मांगा एक बार नहीं चार साल तूने कमाया उस गाने से किया है तूने मुझ पे कोई एहसान नहीं ये ले या फैक्स ले तू बहुत करे कैप अपने टैक्स पे मैंने क्यों किया डिस आई एम द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ बोल के थप्पा लगा रहा था तू रैप पे कवर में सुलाऊं लाइक गुड नाइट ग्रैंडसन मेक अ किडनैपर ऑन केयर फॉर रैंसम सफेद होगी शक्ल नो मैरिलिन मैनसन ना फाइनली शाहरुख बने फेयर एंड हैंडसम बड़ी बधाई हो मैंने इंप्रूव करवाई है तेरी लिखाई को आधी लाइंस तो वो तेरी भी नहीं है किसने लिखाई है तेरी पंच लाइंस वो माय गॉश ओ माय गॉश बंटी तू कैसा है राइवल इसके लेवल का बेस्ट रैपर रखता है झाट पर इसको और मानता है मुझको वो आइडल बेइज्जती कैसे तू सहती है रोज मिलेगी चूत अपनी पैंटी में खोज रूप नखा तू नाच कटवाई है नाक पर मैं क्यों दूं इसकी फैमिली को दोष सुना तेरी नीले बाल वाली सहेली भी तुझे हर रात पहेलियां सुनाती है मिंटू और फोटो में दांत क्यों दिखाती है लगता है बंटी का तू ही चबाती है इस पे तो लगा मैं मजबूत आदमियों के हमाम में मत घुस बंटी का हजाम है अद्भुत झांट जैसे बालपुरी आवाम है हसमुख तेरा करियर बनाया रफ्तार ने हाँ जाके अब चूम उसके तलवे तू नरम एंड वीक थोड़ा शर्म तो सीख जैसे यार तेरे पहनते फूल में भी कपड़े गाने में केले पाओ केले पाओ केला खाओ नजदीकी तालुका तेरे बनाना से ये दिल्ली की सल्तनत में ही हूँ अल्त मशतू तो जनानी जनाना में कदा बहन तेरे बाओ ट्रैप साउंडिंग हेड बाओ कांडू अंग्रेजी नहीं आती तो बेइज्जती कराती हां असली में करती तू रैप नहीं रैप तेरी एल्बम थी फ्लॉप उससे ज्यादा तो बहुत ही बन रखी हाई लेली भाई लेली भाई लेली पढ़वी ये खुदी मिठाई मुंबई की लौंडिया बन रही है भाई बिलाल की कर्रा में टाइम से लाल मैं जीतू ये जंग जैसे 26 जुलाई लेने की शौकीन आवाम फक फेमी वे बोलो मॉकिंगली नाम लिल बंटी से फटी थी गांड तभी 8 मिनट चिल्लाई है राम अब ये दूसरी बाजी है जब भी तू आएगा हम लेने को राजी है पूरी जिंदगी बनाना डिस तेरे 8 के लिए मेरे 6 मिनट काफी है मचाएंगे 4 इसे लंड पे नचाएंगे और 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 माँ बाप के बारे में बोलेगा इसे लग रहा ये मार नहीं खाएगा और ड्रेस है तेरा मेरे पास अगर मैं आऊंगा भाग नहीं पाएगा एक और बार बोल उनके बारे मामला रैप के बाहर ही जाएगा बंटी तो पूरा है पुसी पेपर भी दोगे ये फाड़ नहीं पाएगा और मेरा गाना प्रमोट करने के लिए थैंक यू बिच सो यार गाइस मतलब मैं क्या बताऊं बहुत सारी बातें इसके अंदर क्लियर भी हो गई है और मतलब क्या बताऊं मैं आपको ये एक एक्चुअल रिप्लाई है कृष्णा की तरफ से एमी वे बंटाए को देखो और कृष्णा के बारे में भी आप सब जानते हो बहुत ही ज़्यादा ना सेंसिबल रैपर है ये बंदा इसकी गाने के अंदर ना इसकी रैपिंग के अंदर ना वो क्वालिटीज़ नज़र आती है जो कि आप कह सकते हो एक प्रोफेशनल रैपर में नज़र आती है और बहुत ही फ्लुएंस तरीके से अपने रैप को प्रेजेंट करते हैं जो कि मुझे लगता है और मैं बहुत टाइम से इनके भी रैप सुनता आ रहा हूँ जैसे मैं एमी वे के सुनता आ रहा हूँ तो बहुत ही पसंद मुझे ये भी हैं और बहुत पसंद मुझे एमी वे बंटाए भी हैं तो बस पहली बात तो मुझे लगता है कि भैया इनकी लड़ाई है क्यों अब इनके वो मुद्दे उठ रहे हैं जो इनके पास्ट में हो चुके हैं जिसके अंदर इन्होंने बहुत अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करी हैं कुछ ऐसी बात भी करी है कि एक शो पे जब तेरे को तूने मेरे पास आया था मैं और डिवाइन थे और तू वहाँ पे आया था तो उसके ऊपर बात करी है इस बारे में किसी को नहीं बताया इसके अंदर एक लड़की को भी बीच में इन्वॉल्व करा है वो के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना उसकी भी भाई धर के मतलब मैं कह सकता हूँ कि लत्ते पाड़ दिए भाई पूरे के पूरे और बीच में उन्होंने अपने फैमिली वाले टॉपिक के बारे में बोला जैसे हमने पहले गाना सुना था कि एमी वे ने कहा था कि
फैमिली पे मैं चला जाऊंगा अगर तू ज्यादा औकात से बाहर जाएगा तो। ये बंदा बीच में बोल रहा कृष्णा की तू क्या सोच रहा है अगर फैमिली पे तू चला जाएगा तो क्या मुझे तूने बेवकूफ समझा हुआ है, मुझे तेरे घर का एड्रेस पता है, मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा। तो ओवरऑल यार ये लड़ाई झगड़े वाली फिल्म है पूरी प्रॉपरली। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई कि डिस्ट्रैक्ट का रिप्लाई डिस्ट्रैक्ट से दोगे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कृष्णा की बात कहूँगा तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिया ये बंदा भी, फुल ऑन क्रेजी है भाई। मैं देख लिया मैंने कि भाई कि मज़ा आ गया सुन के कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिप्लाई करा है अमीर बंटाए को। मैंने अभी अमीर बंटाए वाला नहीं सुना है, तो मैंने अभी कृष्णा वाला सुना है, तो मुझे बहुत फाड़ू और बहुत ज़बरदस्त लगा। बीच में बहुत सारी बातें इन्होंने नई नई बताई है जो कि हमारे को नहीं पता थी, उसके बारे में भी हम क्लियर हो गए हैं। तो अब मेरे को ये समझ आ गया कि ये एमी वे बंटाए पिंकी बोलता है कृष्णा को और बंटी बोलता है कृष्णा एमी वे बंटाए को। भाई तो बहुत ही ज़्यादा फनी है ये चीज़। और मतलब भाई और बीच में को बड़ा अच्छा सीन था, मतलब क्या लगा कि कृष्णा ने जब बीच में गाना गाया तो बीच में गाना चेंज करके एमी वे बंटाए के गाने के ऊपर अपने गाने को मिक्स करके वो गाली देने लग गया, तो वो भी बहुत चौकस था। तो बहुत ज़बरदस्त कलाकार है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत बेहतरीन लगा। तो मेरी तरफ से तो एकदम ओके रिप्लाई और मज़ेदार है, और ये रिप्लाई सिर्फ गानों तक रहे तो मज़ेदार है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप कुछ कमेंट बॉक्स में नई चीज़ बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। जो मर्जी आप बताओ नई चीज़ अपने भाई को कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैंने इसमें मिस कर दी। तो यार आई होप आपको ये वीडियो और मेरा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सबसे पहले मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी आपको बताया गाने रिएक्शन देता रहूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के मैं आपके गाने रिएक्शन जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।